मैं सही समय पर फोटो नहीं खींच पाता हूँ। अच्छा तो ये बात है। हथौड़ी, तुम्हारे मूवमेंट्स बहुत फास्ट होते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अगर मैं तुम्हारी कुछ फोटोज खींचूंगा तो मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको मिले बल्ले भाई के फोटो खींच के फायदा आता है तो बल्ले भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वाह, तुम कितने अच्छे हो शिंजो। ठीक है सर, मैं आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, चलिए अभी से काम शुरू कर देते हैं। परछाई बनकर भागने की निंजा टेक्निक, अच्छी फोटो लेना मेरी। हाँ बिल्कुल हथौड़ी। लो मैं चला। अरे किधर गया? डिंग 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 डिंग। किधर गया? अरे कहाँ चला गया? रुक जा, अरे कहाँ गया? अरे कहाँ भाग रहा है? अरे 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 डिंग डिंग डिंग। कितनी फोटो ली आपने मेरी? अरे नहीं, इस फोटो में तो तुम हो ही नहीं। डिंग डिंग, मुझे लगता है सर जल्दी से फोटो नहीं खींच सकते, इसलिए केनिची और बाकी बच्चों को उनकी फोटोग्राफी पर भरोसा नहीं है। हथौड़ी, लगता है मैं उन लोगों की फोटो नहीं खींच सकता जिनके मूवमेंट्स बहुत फास्ट होते हैं। डिंग डिंग, मेरी समझ में आ गया। मैं किसी पर अपनी हाथ पैर जाम करने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा और फिर आप उसकी फोटो खींच लेना, ठीक है ना सर? क्या ऐसी भी कोई निंजा टेक्निक होती है हथौड़ी? अगर आप भी इसके प्रभाव में आ गए तो मुश्किल बढ़ जाएगी, इसलिए आप कानों में इसे डाल लीजिए। जैसा तुम कहो। चोर को इधर, रुक जा, मेरी मछली वापस कर। मुझे उस आदमी की, मुझे उस आदमी की फोटो खींचनी है। हाथ पैर जाम करने की निंजा टेक्निक स्टैचू। वाह क्या पोज है, स्माइल प्लीज। स्टैचू ओवर। मैंने कहा रुक जा। अरे वाह, आखिर मैंने एक दौड़ते हुए आदमी की अच्छी फोटो खींच ली। हाँ थोड़ी तुम ग्रेट हो। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मोटरसाइकिल चलाने वाला एक पागल। अरे वाह थोड़ी, मुझे उसकी भी। हाथ पैर जाम करने की निंजा टेक्निक स्टैचू। अरे वाह क्या पोज है, ये इस पोज में भी। अरे वाह मजा आ गया, एक और। आपका फोटो सेशन खत्म हो गया, स्टैचू ओवर। अरे मेरी बाइक, अरे बाइक रुक जा, अरे बाइक। देखो मैंने कितने सारे चलते फिरते लोगों की फोटो खींची है। अरे भाग गया चोर, वो आदमी बैंक लूट कर भागा है। वो आदमी बैंक लूट कर भाग रहा था। आप लोग चिंता मत कीजिए, सर ने उस चोर की फोटो खींची है, आप इनसे ले सकते हैं। क्या सच में तुम लोग सच कह रहे हो? जरा दिखाओ। ओहो, हीरो जैसा लड़का है लेकिन चोरी के धंधे में पड़ गया। पुलिस को मिल गया लुटेरा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत जल्द हम आपको आपके इस कारनामे के लिए सरकार से इनाम दिलवाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप शुक्रिया का ये पत्र ही ले लीजिए। ये तो मेरा फर्ज है, शुक्रिया किस बात का चीफ? सर आपने तो कमाल कर दिया, मेरी थोड़ी सी मदद आखिर आपके काम आ ही गई सर। आपकी बहादुरी के लिए आपको ये पत्र दिया जा रहा है। अरे हाँ, हाथ पैर जाम करने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। टेक्निक ओवर। अरे अरे ये फोटो तो मेरी ही लगती है, क्या बात है, अब तो मैं फोटोग्राफी का चैंपियन बन गया हूँ। अपनी तारीफों के पुल बांधना कोई केनिची के सर से सीखे। डिंग डिंग। मम्मी को लगी लॉटरी। डिंग डिंग। पेट भर गया। खाना बहुत ही अच्छा बना है मम्मी। मैं भी आ गया। आइए पापा, खाना तैयार है। क्या बात है पापा, आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? आज ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा था। अब कुछ दिनों बाद इस सूट को मैं ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दूंगी, ठीक है? तुम जैसा ठीक समझो डियर। आज खाने में क्या बनाया है? अरे ये तो लॉटरी टिकट है ना। अरे हाँ, कुछ समय पहले मैंने 10 टिकट खरीदे थे और जेब में रख कर ही भूल गया। लेकिन क्या आपने चेक कर लिया? बेकार है, मैं आज तक कभी लॉटरी नहीं जीता, इसलिए नहीं किया। हो सकता है इस बार आप ही लॉटरी जीत जाओ। मम्मी ठीक कह रही है, सबको मिलाकर ये होते हैं 3 करोड़। क्या कहा मम्मी, 3 करोड़? मैंने इतने पैसे कभी नहीं देखे। पापा अगर ये पैसे आपको मिल गए तो क्या करोगे? अगर ऐसा हुआ ना तो ये पैसे मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को दे दूंगा। क्या बात है, 3 करोड़ के आधे होते हैं? इसके आधे 1.5 करोड़ होते हैं केनिची। मुझे भी पता था हथौड़ी, अगर मेरे पास इतने होंगे तो मैं अपनी पसंद की कोई भी चीज खरीद सकता हूँ। इतने पैसे में कितने प्लेट छोले भटूरे मिलेंगे? मैं हर समय खाने की बात के अलावा भी कुछ आता है। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं चॉकलेट रोल खाऊंगा, मजा आएगा। किसकी निकलेगी लॉटरी? कहिए क्या चाहिए। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये लॉटरी मैंने जीती है या नहीं? बेशक बता दूंगी मैडम, आपका नाम क्या है? मित्सुबा। केनिची के पापा ने कहा था कि अगर वो ये लॉटरी जीत गए तो वो उसका सारा पैसा मुझे और केनिची को दे देंगे। अगर सच में वो जीत गए तो मैं अपने लिए सबसे महंगी वाली एक डायमंड रिंग खरीदूंगी।
एक पर्ल नेकलेस, महंगी महंगी ड्रेस और एक बढ़िया सी लेदर बैग। अरे वाह। लेकिन मैं जानती हूँ तुम ये लॉटरी कभी नहीं जीतोगे। मिसेस मित्सुबा, हाँ मुबारक हो मैडम, आपकी लॉटरी लग गई है और आपने जीते हैं पूरे 3 करोड़। आप फर्स्ट आई हैं। क्या कहा? फर्स्ट प्राइज जीता? ये क्या कर रही हैं आप? माफ करना मुझे, मैं थोड़ी ज्यादा खुश हूँ। टेलीफोन कहाँ है? वो रहा वहाँ पर, लाल वाला। शुक्रिया मैडम, अपने पैसे तो ले जाइए। माफ करना, लेकिन मैं इसे रखूँ कहाँ? हाँ इसे यहाँ रखती हूँ, सब्जियाँ निकाल देती हूँ। ये ठीक है, अब पैसे इसमें रखती हूँ। आप अपनी सब्जियाँ यहाँ नहीं रख कर जा सकती। ये तो आपके लिए है, पका कर खा लेना। थैंक यू। घर में बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूँ। कबड्डी 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 कबड्डी। मम्मी हम आ गए। कबड्डी। शिंजो, शिशिमानो, तुम दोनों यहाँ आ गए। अच्छा हुआ मेरी टेंशन मिट गई। कल रात मम्मी, चलिए घर चलते हैं। चलो चलते हैं। रास्ता क्लियर है। क्या तुम्हें लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है? बेटा चिंता मत कीजिए। शिंजो, जरूर हमारा कोई पीछा कर रहा है। जल्दी जल्दी मम्मी, भागिए भागिए और तेज मम्मी, इधर जल्दी जल्दी। रुक जा, हमारा पीछा क्यों कर रहा है बताओ? बताओ बताओ, क्या यहाँ आसपास कोई टॉयलेट है? अरे मैडम जी, मेरे को कबड्डी रहा और मैं। हमें डलाने की कोशिश मत करना, हमने लॉटरी में 3 करोड़ जीते हैं, समझे? शिंजो चुप रहो। कल मैं लोग आई। अरे सुना तुमने, इन्होंने 3 करोड़ रुपए जीते हैं। इनकी लाइफ सेट है। हाँ भाई। शिंजो चलो यहाँ से चलते हैं। फिर क्या हुआ? अच्छा तो आप 3 करोड़ रुपए जीतकर खुश हो, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब इसका पता सबको चल गया है। सब मेरी गलती है। जब हथौड़ी है साथ तो डरने की क्या बात। मुझे लगता है अब सबसे पहले हमें अपने घर को चारों तरफ से सुरक्षित करना होगा। डिंग 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 डिंग। चलो अब ठीक है शिशिमानु, हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखना। फिक्र मत करो हथौड़ी। ओफो, अब मैं इतने सारे पैसे को आखिर कहाँ छिपाऊं? मैं इसे यहाँ नहीं रख सकती, या तो कहीं भी पहुँच जाएगा। यहाँ भी नहीं रख सकती, यहाँ भी नहीं। मम्मी मैं पैसे छिपाने की एक बहुत अच्छी जगह जानता हूँ। जिन जगहों पर हम अपने कीमती सामान छिपाते हैं उन जगहों पर पहुँचना बहुत आसान होता है। डिंग डिंग डिंग। तो इसलिए हम इसे यहाँ रखेंगे ताकि किसी को शक न हो। बहुत अच्छी हथौड़ी। बाहर कोई है, बचाओ! डिंग 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 डिंग। ये क्या? मम्मी चिंता मत कीजिए, वो परछाई इस कोट की थी। ओ, मेरी तो जैसे दिल की धड़कन ही रुक गई थी। डिंग, ये क्या हो रहा है? अरे भागो भागो भागो, यहाँ से दोबारा यहाँ मत आना, भागो! एक बिल्ली थी, भगा दिया उसे। मेरे सीने में दर्द हो रहा है, कह रहे चीन बचाओ। मम्मी संभालो खुद को, खिड़की के बाहर कोई है। वो पैसा हमें दे दो, वो पैसा हमें दे दो, पैसा 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 दे दो। मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन प्लीज मेरे पास मत आना, बचाओ प्लीज, कोई मुझे बचाओ। शुक्र है मैं सपना देख रही थी। आपने 7वां प्राइज जीता है, 200 रुपए। कोई परेशानी है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, शुक्र है मैंने 200 रुपए ही जीते, ना कि 3 करोड़ रुपए। हाँ डिंग 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 डिंग। मम्मी का चेहरा टेंशन के बिना कितना चमकता है, उनकी जालगी बेफिक्री से ही लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे नहीं जीते हैं, जो कि सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है। डिंग डिंग। केनिची को सुलाना पड़ गया भारी। डिंग डिंग। पता नहीं क्या बात है, इतनी देर हो गई पर मुझे नींद ही नहीं आ रही। शिंजो शिशिमानो, तुम लोग इस समय यहाँ कैसे? मुझे सूच लगी है, मुझे भी सूच लगी है। अरे अरे रुक जाओ, तुम दोनों टॉयलेट में जाओ, ये टॉयलेट नहीं है। शिंजो और शिशिमानो तुम दोनों आधी नींद में हो, चलो सो जाते हैं। मेरी बात सुनो, ये मेरा कमरा है, यहाँ मत सोना, ज्यादा नींद आ रही है तो अपने कमरे में जाकर सो। चलो। मुझे इनसे जलन हो रही है, पता नहीं हर रात ये इतनी गहरी नींद में कैसे सो जाते हैं।
अरे हाँ हथौड़ी, सुनो तो। डिंग डिंग, इतनी रात को क्यों बुला रहे हो केनिची? क्या तुम कोई निंजा टेक्निक जानते हो जिससे मुझे नींद आ जाए? मैं तो वो बहुत सारी निंजा टेक्निक जानता हूँ जिससे कि नींद ना आए। वैसी वाली नहीं, क्योंकि मैं तो सोना चाहता हूँ, जागना नहीं। डिंग डिंग, ठीक है, मैं तुम्हें प्यारी सी लोरी गाकर सुलाने की कोशिश करता हूँ। लोरी गाकर? केनिची तू सो जा, निंदिया में खो जा। केनिची तू सो जा, मेरे गाने में खो जा। ओ तुम्हारी ये भयानक लोरी तो मेरी बची कुची नींद भी उड़ा देगी। मुझे माफ करना केनिची। क्या नींद को बुलाने का कोई और तरीका नहीं है तुम्हारे पास? ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। तुम भेड़ को गिनना शुरू कर दो। वो कैसे गिनते हैं? सबसे पहले ख्यालों में उनकी तस्वीर बनाओ। एक भेड़, दो भेड़, तीन भेड़, चार भेड़, पांच भेड़, छह भेड़, सात भेड़। हथौड़ी, हथौड़ी। ओहो, हथौड़ी तुम मुझे सुलाने आए थे या खुद सोने? अरे हाँ, माफ करना, मैं तो भूल ही गया था। इससे तुम्हें नींद जरूर आ जाएगी। कोशिश तो करके देखो केनिची, बहुत अच्छी नींद आएगी। इससे करता हूँ, इससे काम बन जाएगा। अब मैं इसे करके देखता हूँ। ये हो गया एक भेड़, ये दो भेड़, ये तीन भेड़ और ये चार भेड़। अरे नहीं, मुझे तो भेड़ दिखी नहीं रहे, तो मैं गिनू कैसे हथौड़ी? ये समस्या तो बड़ी लगती है। अरे हाँ, एक आइडिया आया हथौड़ी, तुम भेड़ बन जाओ और कमरे में दौड़ो। इस काम के लिए शिशिमानो परफेक्ट रहेगा। शिशिमानो की शामत आई। डिंग डिंग, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम तैयार हो ना? बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने बताया था। बिल्कुल वैसे ही करूँगा, पहले मुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। ऐसे कबड्डी 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 कबड्डी। ये सींग लगाने पर तुम बिल्कुल भेड़ जैसे लगोगे। तैयार रहो शिशिमानो, चलो शुरू करो। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ही तेज नींद आ रही है। ये एक भेड़ था। शाबाश, अब इसी तरह से जल्दी चक्कर लगाओ। वहाँ जाओ। नींद आ रही है। दो भेड़। डिंग, उधर जाओ। कबड्डी कबड्डी। और ये तीसरा भेड़ था। कबड्डी। चार भेड़ और ये पांच भेड़। ये गया छह भेड़ और ये सातवां भेड़। चौवनवां भेड़। ये गया पचपन भेड़। डिंग डिंग, केनिची क्या अब तुम्हें थोड़ी सी भी नींद आनी शुरू हुई? डिंग डिंग, अभी नहीं आई, पर इसमें मुझे मजा आ रहा है। और ये गया छप्पन भेड़। डिंग, इसमें तो मजा आने जैसा कुछ भी नहीं है केनिची। डिंग डिंग, नींद आ रही है। 59 भेड़। डिंग डिंग, लेकिन हमें इस काम में कोई मजा नहीं आ रहा। अगर तुम्हें अब भी नींद नहीं आ रही तो मुझे इस काम को यहीं पर रोकना पड़ेगा, मैं तो थक गया। ये है 61 भेड़। ये गया 182 भेड़। 183 भेड़। अब मैं थक गया हूँ और नींद भी बहुत आ रही है, अब मैं सो जाऊँ। थोड़ी देर और शिशिमानो। भेड़ के मुड़ने तक 185 भेड़ हो गए, और उसमें से एक भेड़ घटा दे तो 184 भेड़। मुझे मत खींचो। लगता है अब उसे नींद आने लगी है। शिशिमानो, बस एक बार और चले जाओ, फिर काम बन जाएगा। अब तो मुझे भी नींद आने लगी है, ये मैं कहाँ फंस गया? अब मुझ में चलने की हिम्मत नहीं है। ये गया 265 भेड़ और ये 267 भेड़। अब 750वें भेड़ की बारी। आ जाओ। 780 भेड़। अब तो मैं बहुत थक गया हूँ। 820 भेड़। 821 भेड़। 822 भेड़। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं सोने वाला हूँ। 917 भेड़। 900। अब बस एक बार और कर लो शिशिमानो। नहीं, अब मैं नहीं चल सकता। आ जाओ। शिशिमानो, भूकंप आ गया। ये आवाज कैसी थी? इस वक्त कौन आ गया? अरे शिशिमानो, तुम यहाँ इस समय यहाँ ऐसे क्यों पड़े हो? क्या हुआ? नहीं, अब मैं और नहीं चल सकता। इतनी मुश्किल से मुझे नींद आ गई थी, पर तुम्हारी वजह से मैं फिर जाग गया हूँ। 1002 भेड़। 1003। हथौड़ी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आज के बाद मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूँगा। अब ये नींद ही मुझे केनिची से बचा सकती है।